सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कांकेर तथा बलरामपुर जिला के पत्रकार भाइयों के साथ होने वाले घटना को देखते हुए सभी पत्रकार बंधुओं ने किया धरना प्रदर्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकारों के ऊपर किस तरह से मानसिक दबाव और सारे दबाव डाला जा रहा है, तथा जैसे कि कांकेर में हमारे पत्रकार भाई कमल गुप्ता के साथ घटने वाली घटना तथा वह माहौल अभी तक शांत नहीं हुआ, तभी तुरंत ही हमारे बलरामपुर जिला के वाडफनगर के निवासी वह जनता टीवी हिंदी न्यूज नेटवर्क के संपादक विजयलाल मरकाम जी के साथ वही घटना दोबारा देखने को मिली, तभी हमारे सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। ऐसी ही खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नवगढ़ राजा पाटा जांजगीर चापा से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। पूरे प्रदेश साथी पत्रकार साथी रुष्ट हैं उस हमले से, और हम सबसे पहले तो हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए और भाई पत्रकार जो हमारे कमल शुक्ला जी हैं उनके ऊपर हमलावरों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप प्रदेश भर में हो रहे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे सरकार किसी की भी हो, नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। आज जिले या संभाग मुख्यालय में जो पत्रकार हैं सिर्फ उन्हीं को पत्रकार बोला या माना जाता है, ग्रामीण अंचलों से आए हुए यहाँ पे दर्जनों संख्या में जो पत्रकार हैं उन्हें किस नज़रिए से आप देखते हैं? पत्रकार सुरक्षा कानून दरअसल उन्हीं के लिए है जो हमेशा मंत्री नेताओं के बीच में एसी के चैम्बर में बैठ करके पत्रकारिता करते हैं। दरअसल उनके लिए पत्रकारिता नहीं है, ग्राउंड स्तर की रिपोर्टिंग जो करता है और रिपोर्टिंग करते वक्त दुर्व्यवहार का सामना करता है उसके वजह से ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, ताकि कल के डेट में कोई और कमल शुक्ला जैसे लोगों मतलब कमल शुक्ला जैसा कोई शिकार ना हो। देखिए मांगे प्रमुख रूप से अभी दो ही हैं हमारी। पहला, कमल शुक्ला पे हुए हमलावरों के ऊपर 307 का मुकदमा चलाया जाए और उनको उनकी गिरफ्तारी की जाए। दूसरा, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। जो कमल शुक्ला के साथ वहाँ के दबंगों ने मारपीट किया था, उनसे किसी तरह की कार्रवाई किया गया? कोई भी कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई है, यदि होती तो यह धरना प्रदर्शन नहीं होता। धरना प्रदर्शन करने का मेन मकसद ये है कि हम पत्रकारों पर जो हमला हो रहा है ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि न संभले तो मिट जाओगे है कलम के सिपाही हो, न संभले तो मिट जाओगे है कलम के सिपाही हो, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। इसीलिए कमल शुक्ला जी के साथ जो हमला हुआ उस हमले से हम सारे पत्रकारों के इबरत लेने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है कि आइंदा किसी और पत्रकार भाइयों के साथ इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हम लोगों को जाग जाना चाहिए, हम लोगों को सचेत जाना चाहिए और हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है हमारी कि आप पत्रकार सुरक्षा लागू करो और जो उन पर हमला हुआ है, जो घटने में संलिप्त हो गए हैं उनके खिलाफ संतोषजनक कार्रवाई आती है। हम सब तो संतोषजनक कार्रवाई की मांग करते हैं।